फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपर रियलिस्टिक की बियर्ड को किस तरीके से बनाया जा सकता है। काफी इजी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपने मेरी काफी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से हम चारकोल से हम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं या उनके हेयर्स बनाते हैं, बियर्ड बनाते हैं। तो इसमें मैं अलग ट्रिक का यूज करने वाला हूँ जो आपको काफी इजी भी लगेगा और आप उसको अच्छे से बना भी पाएंगे। आपने ज्यादातर यूज करा होगा चारकोल स्टिक आती है, चारकोल पेंसिल आती है जिसमें आप हेयर का यूज करते हैं या फिर बियर्ड बनाते हैं, और उसको हाईलाइट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक इरेजर, टॉम्बो इरेजर और आप हाइलाइटर के लिए व्हाइट जेल पेन का भी यूज करते हैं। तो इसमें आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है। आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें ये चीजों का यूज बहुत ही कम होने वाला है। ट्रिक क्या है और उसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है कि किस तरीके से बियर्ड आएगी। तो उस जगह पे आपको थोड़ा सा अंदाजे के लिए आउटलाइंस ड्रॉ कर लेनी है सब जगह, जैसे इस तरीके से मैंने कर ली है। अब उसके बाद आपको डॉटिंग पेन लेना है, या तो आप डॉटिंग पेन ले सकते हैं या फिर कोई भी एम्प्टी पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉटिंग पेन का यूज़ करने वाला हूँ। इसमें इसकी निप देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके की निप आती है, तो पतली सी इसकी निप है। तो इससे आपको डॉटिंग पेन से आपको इनग्रेव करना है इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी बियर्ड बननी है, मुस्टाच बननी है, तो उसी शेप में ही आपको इनग्रेव करना है, उसी लेवल पे ले जाना है। ऐसा नहीं है कि आप टेढ़ी मेढ़ी इसको चलाएं, उस तरीके से नहीं करना है आपको। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, इस तरीके से आपको इनग्रेव करना है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले सब में इस तरीके से इनग्रेव कर लेते हैं, और काफ़ी प्रेशर का आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें ताकि अच्छे से ये इनग्रेव हो, बाद में आप जब शेडिंग करें तो काफ़ी अच्छे से उभर के आए। सो फ्रेंड्स, अब मैंने पूरी तरीके से इनग्रेव कर लिया है जिस तरीके से डिज़ाइन इसमें देना है, तो वो इनग्रेव मैंने कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चारकोल पेंसिल आपको लेनी है। मैं न्यूट्रल चारकोल पेंसिल ले रहा हूँ, आप सॉफ्ट चारकोल भी ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर न्यूट्रल ही यूज़ करता हूँ। तो अब आपको पेंसिल लेनी है चारकोल की, और लाइट शेड देखिए इस तरीके से आपको यूज़ करनी है पेंसिल। पहले आपको इस तरीके से पूरे में अप्लाई कर लेनी है, लाइट शेड आपको अप्लाई करना है। पहले से ही आपको डार्क नहीं चलानी है, ताकि आपको कहीं अगर डार्क देना हो तो उस जगह पे आप डार्क पेंसिल चला लें। तो इस तरीके से आप पहले सब जगह लाइट शेड दे दीजिए, ताकि आपको अंदाज आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ वर्क कर रखा है और कहाँ आपको डार्क देना है, कहाँ आपको लाइट देना है। तो उस चीज़ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइट डार्क करने का। तो इस तरीके से पहले मैं पूरा फिल कर लेता हूँ। अब मैंने पूरे में फिल कर लिया है, तो अब इसको डार्क शेड देना है। लाइट में तो हमने कर लिया है, अब धीरे धीरे आपको डार्क देना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का लुक आएगा पूरा रेडी होने के बाद। मैंने इसमें व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ किया है, तो आप इसमें हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा और वाइटनेस दिखाने के लिए व्हाइट जेल पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपकी ड्राइंग है, जिस हिसाब से आपका पोर्ट्रेट है, उससे आप अपने रियलिस्टिक हेयर्स बना सकते हैं। चाहे आप ज़्यादा वाइट बना सकते हैं या फिर आप नॉर्मल शेड दे सकते हैं। तो इसमें अगर आपको इनग्रेव करना है, इनग्रेव करने के बाद थोड़ा वाइटनेस देनी है, तो व्हाइट पेन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप इनग्रेव नहीं करना चाहते हैं, तो पहले आपको जितना भी ब्लैक एरिया है उसको चारकोल से फिल करने के बाद आप व्हाइट पेन या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने चारकोल से पूरा फिल कर लिया, तो आप इलेक्ट्रिक इरेजर से यूज़ करें या फिर आप टॉम्बो से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके का लुक देना है, तो उसके लिए इनग्रेव करने के बाद आप व्हाइट जेल पेन से यूज़ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको थर्ड पार्ट में देने वाला हूं, तो थर्ड पार्ट आप मिस मत करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।